हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। ओके, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में HTML पढ़ा होगा, ठीक है। पर वो HTML कैसा था, एक आपकी नॉर्मल से वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, HTML, ठीक है। पर इन 12th स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अब वही HTML के अंदर फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म मीन्स क्या होता है, तो आप लोगों ने बहुत बार कोई भी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है। तो उस टाइप के फॉर्म को यूज़ करने के लिए हम आज क्या बनाएंगे, HTML वेबसाइट्स। ओके, तो स्टार्ट विथ इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट, मैनी एक्टिविटीज़ हैव बिकम ऑनलाइन, ठीक है। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि इंटरनेट का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन करने लगे। वी मे यूज़ अ वेब पेज टू फिल इंफॉर्मेशंस अबाउट अवर सेल्स और अ प्रोडक्ट्स। HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू हेल्प द विजिटर ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट डेटा, ठीक है। HTML फॉर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी विजिटर, ठीक है, आपको डेटा प्रोवाइड करने के लिए, आपको डेटा फिल करने के लिए क्या यूज़ करता है, HTML फॉर्म। इट अलाउ फॉर मोर इंटरेक्टिविटी एंड कंट्रोल इन डेटा एंट्री, ठीक है। डेटा एंट्री मीन्स क्या होता है, जैसे आप नेम के अंदर क्या लिखते हो, आपका नेम, लास्ट नेम के अंदर क्या लिखते हो, सरनेम, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल भी कौन करता है, आपका फॉर्म। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन अ ईमेल अकाउंट और रजिस्टर ऑन अ वेबसाइट, यू नीड टू एंटर पर्सनल डिटेल्स इन अ फॉर्म, ठीक है। आप जब कोई वेबसाइट्स ओपन करते हो, ठीक है, या फिर मेल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल्स फॉर्म के अंदर फिलअप करवाते। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू सेटअप द अकाउंट फॉर द यूज़र, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। In order to obtain such informations on internet, HTML forms are used. This data is further stored by the applications and used to retrieve the details about the user registered on a website. ठीक है, ये नॉर्मली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई फर्दर स्टोरेज के लिए, ठीक है। कई बार आप लोगों को पता हो कि आपके यहाँ पर आप कुछ ना ऑनलाइन परचेस करते हो, है ना, तो आपको जैसे जैसे आप परचेस ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको ऑफर्स भी देते हैं, है ना। तो ये सब के लिए क्या रखते हैं, वो अपने पास एक रजिस्टर्ड डेटा। तो फॉर्म, अ फॉर्म इन HTML इज कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। फॉर्म क्या है, एक इनपुट लेता है किससे, यूज़र से, ठीक है। कैसे इनपुट, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हॉबी, है ना। तो ये सब क्या है, आपके फॉर्म के कलेक्ट काइंड ऑफ सब इंफॉर्मेशंस हैं। HTML फॉर्म्स कंटेन एलिमेंट्स लाइक लेबल, ठीक है, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड मैनी मोर। ओके, फर्स्ट है आपका लेबल, ठीक है। तो लेबल मीन्स क्या होता है, By default informations, by default text, like name, address, ठीक है, जो heading बोला जाता है, name हो तो आप बाजू में पता चल जाता है आपके box को देख के कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, name, ठीक है। address के box के आगे क्या लिखा हुआ होता है, address, ठीक है। तो this type of informations, ठीक है, और elements, इसको क्या बोला जाता है, forms, elements। These elements are used to enter the data as well as validate the data within the forms. We will create a simple form to enter the data using HTML tag. But before that, let us discuss about the element used to create HTML form. ठीक है, आपको HTML tag use करके क्या करना है, form create करना है, और उसके जो elements है, ठीक है, तो उसके कितने एलिमेंट्स हैं, मेनली 4 एलिमेंट्स, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके HTML फॉर्म के एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपके 4, कौन कौन से, फॉर्म, इनपुट, टैक्स एरिया,
सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। द फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म, ठीक है। अब जैसे आपको HTML की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, ठीक है, वेब पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट क्या यूज़ किया जाता है, फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आप लोग, आपको पता हो तो HTML के अंदर लिखते थे HTML टैग, है ना, जिससे क्या होता था आपका HTML स्टार्ट होता था। हेड सेक्शन स्टार्ट करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते थे, हेड। सेम एज यहाँ पर आपको फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, फॉर्म, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर ऑल द एलिमेंट यूज्ड इन द फॉर्म। द टैग फॉर्म स्टार्टिंग एंड दिस वन इज आप क्या है आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। जितने भी टैग, ठीक है, आप लोग स्टार्ट करो, वो सारे टैग को क्या करना पड़ता है, क्लोज। इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट द एग्जाम्पल फॉर्म, ठीक है। मतलब फॉर्म क्या हुआ आपका, क्या है, एलिमेंट, और उसको क्या बोला जाता है, टैग, ठीक है। फॉर्म को क्या बोला जाता है, एलिमेंट एज वेल एज टैग, ओके। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है एक्शंस एंड मेथड, ठीक है। तो फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स है, टू एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से, एक है आपका एक्शंस एंड सेकेंड कौन सा है आपका मेथड। यहाँ पर हर एक कोई भी टैग हो, ठीक है, तो टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स है, ओनली फॉर एक्शंस एंड मेथड, ठीक है। अब एक्शंस के क्या होती है, वैल्यू, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हर एक एट्रीब्यूट्स की क्या होती है, वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था बॉडी, बॉडी कैप का टैग, उसका एक एट्रीब्यूट था बीजी कलर, मतलब क्या होता था उसका, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इक्वल टू रेड, ठीक है। तो रेड क्या है आपकी वैल्यू। सेम एज यहाँ पर एक्शंस की वैल्यू क्या है आपकी, रजिस्टर डॉट HTML एंड मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्या किए, फॉर्म को क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दैट द फॉर्म एलिमेंट यूज टू एट्रीब्यूट नेम एक्शंस एंड मेथड, है ना। मैंने बोला ना कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर, टू, एक्शंस एंड मेथड। द एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। जो आप फॉर्म के अंदर डेटा सबमिट करते हो, जो डेटा आप एंटर करते हो, ठीक है, तो वो डेटा कौन सी फाइल के अंदर, कौन से फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है, सेंड होने चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एक्शंस, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, फॉर्म के कितने एलिमेंट्स है, टू, कौन कौन से, एक्शंस एंड मेथड। एक्शंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि आपकी जो फाइल है, ठीक है, आप जो डेटा फिलअप कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो डेटा किसके पास सेंड होना चाहिए। इट टेक्स अ फाइल नेम एज अ वैल्यू, है ना, वो क्या होगा आपका, एक फाइल नेम। दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म, ठीक है। ये फाइल कैसी होती है, ओपन होनी चाहिए जब आप डेटा क्या करते हो, सबमिट करते हो। द मैथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मैथड, ठीक है। HTTP मैथड मीन्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैथड टू बी यूज व्हेन सेंडिंग द डेटा। इट कैन टेक टू वैल्यूज गेट एंड पोस्ट, ठीक है। ये किस, इसकी कितने वैल्यूज होते हैं, टू वैल्यूज, है ना। यहाँ पर आपने वैल्यू कौन सी होगी, एक्शंस के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो फाइल के अंदर आप डेटा डालने जा रहे हो, p1.html हो तो p1 वैल्यू कितनी रहेगी, ओनली फॉर वन। पर मेथड के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती है, टू, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, उसके लिए क्या करोगे आप, गेट मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टू वैल्यूज, गेट एंड पोस्ट। द गेट मैथड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट एंड ऑफ URL। दिस मैथड अलाउ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड बी
एट अ टाइम, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, गेट। पर नॉर्मली आप कभी भी फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके डेटा कैसे होते हैं, लॉन्ग, है ना। तो लॉन्ग डेटा, ब्लॉक ऑफ डेटा को आपको सेंड करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पोस्ट वैल्यू, है ना। इन द पोस्ट मेथड द डेटा इज सेंट एज ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शंस, द डेटा इज इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट, दिस मेथड डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, आपको जितने भी डेटा यूज़ करने हो यूज़। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट इज गेट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आप मेथड खाली यूज़ करोगे, है ना, तो वो मेथड की वैल्यू कौन सी रहेगी, गेट। पर आपको नॉर्मली क्या यूज़ करना पड़ता है, पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था आपका, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है, फॉर्म टैग, ठीक है, टैग के अंदर कौन कौन सी वैल्यू यूज़ की जाती है, टू एट्रीब्यूट्स, एक है आपका एक्शंस एंड सेकेंड कौन सा है आपका मेथड। एक्शंस क्या यूज़ करता है, आपको कौन सी फाइल के अंदर आपके डेटा स्टोर करने, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक्शंस, एंड सेकेंड कौन सा है आपका मेथड, जो क्या यूज़ करता है, HTTP, ओके। आप कभी भी कोई भी फाइल, जब URL मतलब आपको पता हो तो www, है ना, जो लिखते हो वहाँ पर HTTP लिखा होता है ना, तो HTTP मीन्स क्या है कि आप जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट को आप आपके डेटा प्रोवाइड करते हो, पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, HTTP। यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यूज़ यूज़ की जाएगी मेथड के अंदर, टू, गेट एंड पोस्ट। यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, गेट, है ना, पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आपको सेंड करना है तो गेट इज़ इनफ, बट ब्लॉक ऑफ डेटा आपको यूज़ करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पोस्ट, है ना। तो फर्स्ट आपका कौन सा था, गेट, एंड सेकेंड कौन सा था आपका, पोस्ट। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका इनपुट एलिमेंट, ओके। इनपुट एलिमेंट मीन्स क्या है, अब जब आपने फॉर्म टैग यूज़ किया, फॉर्म एलिमेंट यूज़ किया, मतलब आपका फॉर्म क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, पर आप कोई यूज़ थोड़ी ना कर पाए, उसके ब्लॉक ऑफ कोड के लिए आप जो वैल्यू डालोगे, है ना, तो वो वैल्यू के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इनपुट एलिमेंट्स। द इनपुट एलिमेंट आर यूज टू इंसर्ट वेरिएशंस फील्ड लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स इन द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर रेडियो बटन यूज़ करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, चेक बॉक्स यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट को ऑल्सो क्या बोला जाता है, इनपुट टैग। द टैग इनपुट स्टार्टिंग एंड इनपुट क्लोजिंग इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट, ठीक है, इनपुट एलिमेंट को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, इनपुट टैग स्टार्टिंग एंड इनपुट टैग क्लोजिंग। इनपुट टैग, ठीक है, इनपुट टैग जैसे अपने फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, सेम एज इनपुट टैग के थ्री एट्रीब्यूट्स थे, लाइक टाइप, नेम एंड वैल्यू, कौन कौन सा है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कौन कौन सा है, टाइप, नेम एंड वैल्यू, ठीक है। अब टाइप, नेम एंड वैल्यू की यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो जैसे फॉर्म के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस थे, एक्शंस, तो आप किसके अंदर डेटा सेंड करने जा रहे हो, सेम एक फॉर्म के अंदर वही था, पर इनपुट के अंदर आप बहुत सारे बटन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द टाइप टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म, द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम टू बी यूज, ठीक है, जैसे मैं लिख ले रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स है तो वो क्या है मेरा, टाइप, है ना, तो एट्रीब्यूट के अंदर जैसे मैंने स्टार्ट किया इनपुट, फिर स्पेस छोड़ के मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ, टाइप, पर कौन सा टाइप लेना है मेरे को, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो टेक्स्ट बॉक्स लिखूँगी, रेडियो बटन लेना है तो रेडियो बटन, है ना, तो एक क्या है आपका टाइप, फिर क्या है नेम, मैंने मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए, है ना, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़े, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए यूज़ किया मैंने, फर्स्ट नेम, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेम, एंड लास्ट है आपका ऑप्शंस वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो वहाँ पर वो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, प्लीज़ एंटर योर नेम,
ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट उसका एग्जांपल और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।